भक्तो, महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में शायद ही कोई ना जानता हो, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम आप सभी को गौतम बुद्ध से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला तथ्य ये होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस रात महामाया ने गौतम बुद्ध के गर्भ को ग्रहण किया था, उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा था कि एक सफ़ेद हाथी ने सूंड में सफ़ेद कमल लिए हुए उनके घर में प्रवेश किया है। दूसरा तथ्य, पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 20 वर्ष के बाद हुआ था। तीसरा तथ्य, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का संक्रामक रोग के कारण देहांत हो गया। उसके बाद उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था। वे महामाया की छोटी बहन व सुद्धोधन की पत्नी थी। चौथा तथ्य, गौतम बुद्ध को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना पहुँचे, इस बात का उनके पिता ने बहुत ध्यान रखा। वे मौसम के प्रभाव से भी बचे रहे, इसलिए उनके पिता ने शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में रहने के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए थे। पांचवा तथ्य, गौतम बुद्ध से विवाह करने वाली यशोधरा उन्हीं के मामा की लड़की थी। वे यशोधरा को प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। जो छठवां तथ्य है वो है, गौतम बुद्ध और यशोधरा के घर पहले पुत्र ने उनके विवाह के 13 वर्ष बाद जन्म लिया था। सातवां तथ्य ये है कि गौतम बुद्ध के घर में जब पुत्र ने जन्म लिया तो उन्हें वह पुत्र अपने सन्यासी जीवन तक जाने वाले रास्ते की बाधा लगा, इसलिए उन्होंने उसको जन्म पर कहा राहु का जन्म हुआ है। यह सुनते ही नवजात शिशु के दादा ने उसका नाम राहुल रख दिया। आठवां तथ्य ये है कि गौतम बुद्ध के प्रथम अनुयायी 2 व्यापारी तापुसा और भल्लिका थे। नौवा तथ्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद उनके चचेरे भाई थे। दसवां और अंतिम तथ्य, सन 329 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर एक स्तंभ बनवाकर उस पर लिखवाया था हिदा भगवान जतेति, जिसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। भक्तों, यदि आप सभी को गौतम बुद्ध से जुड़े ये 10 रोचक तथ्य अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को हर हर महादेव।